अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दिल्ली सज्जाद रिज़वी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं आपके अपने ही चैनल अली बर्ड जोन पर। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्न के हवाले से कि फिंचेस के लिए कॉर्न कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि लोग पैरट्स को और बाकी बर्ड्स को तो कॉर्न देते हैं लेकिन फिंचेस को बहुत कम लोग कॉर्न देते हैं। तो कॉर्न कितना ज़्यादा बेनिफिट रखता है फिंचेस के लिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उन्हें किस किस तरीके से फ़ायदे देती हैं, हम उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आप देखेंगे भी कि फिंचेस जो है वो कॉर्न कितना ज़्यादा शौक से खाती हैं। तो बगैर देर किए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, उसके लिए मैं पहले से आपसे माजरत करता हूँ कि इंशाल्लाह टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, वीक में वीडियोस आया करेंगी। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले चीज़ तो आज हम देख लें कि कॉर्न आपने बर्ड्स को किस तरीके से सर्व करना है, फिंचेस को किस तरीके से इनको ऑफर करना है। तो अगर आप पूरा का पूरा जो भुट्टा है जिसका पीस आप इसके अंदर रख देंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, ये ऊपर ऊपर का पार्ट जो है उसकी स्किन खा जाएंगी और जो बाकी जो पार्ट है कॉर्न का वो ज़ाया हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने उसको तोड़ लेना है, भुट्टे के ऊपर जो दाने हैं उनको तोड़ लेना है और किसी प्याले में इनको सर्व कर देना, जिस तरह मैंने इनमें रखा हुआ है आप देख सकते हैं, और कितना आराम से खा रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो आपने वो पीसेस जो हैं वो किसी प्याले में रख के सर्व कर देना है और ध्यान रखना है आपने कि आप उसे अपने मुँह से छोटा छोटा काट के डाल देंगे तो इनके लिए ज़्यादा आसान होगा उसे खाना और ये उसको ज़ाया भी नहीं करेंगी। फिंचेस की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इनको एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करती हैं, चखती ज़रूर हैं, चाहे सब्ज़ी हो, फल हो, कोई भी चीज़ हो, ख्वाह इनको पसंद आए या ना आए, अगर नहीं पसंद आती उसको छोड़ देती हैं और पसंद आती है तो ये उसको अपनी आदत बना लेती हैं। एज अ सॉफ्ट फूड आराम से तमाम की तमाम चीज़ें फिंचेस खा लेती हैं और इन्हें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो अगली चीज़ ये कि कॉर्न आपने उबाल के देना है या नहीं देना। तो कॉर्न आपने हरगिज़ इनको उबाल के नहीं देना अगर सर्दियां ना हो। अगर सर्दियां हैं तो आपने कॉर्न उबाल के देना है, सर्दियां नहीं हैं जिस तरह आजकल जून जुलाई का मौसम चल रहा है, अगस्त का मौसम चल रहा है, मानसून है, तो आपने इनको कॉर्न उबाल के नहीं देना। तो कॉर्न उबालने से उसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है और वो नुकसान का बायस बन सकता है आपकी बर्ड्स के लिए। अगली चीज़ वो ये कि कॉर्न के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो कॉर्न के फ़ायदे हम देख लेते हैं। इसके अंदर जिंक होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड, प्रोटीन, हेल्दी फैट, और कॉर्न के जो फ़ायदे इंसानों के लिए होते हैं वही फ़ायदे बर्ड्स के लिए भी होते हैं। ऑब्वियसली जो भी सॉफ्ट फूड आप बर्ड्स को देते हैं उनके वही फ़ायदे होते हैं जो हम इंसानों के लिए होते हैं। और अच्छी चीज़ ये कि हम इंसान जो सॉफ्ट फूड खाते हैं मोस्टली वो यही खाती हैं। उसके अलावा आप इनको वॉर्म्स वगैरह दे सकते हैं सॉफ्ट फूड में, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता। इनको नॉर्मल चीज़ें दें तो ये नॉर्मल चीज़ों में खुश रहती हैं और अच्छे तरीके से ब्रीड करती हैं। तो गाइज आई गेस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके बर्ड्स अच्छे ब्रीड करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।